नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने सात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर कारों को चुराकर फर्जी दस्तावेज बनाकर साउथ में भेज दिए थे। लेकिन कहावत है कि हर पाप का अंत होता है, और यही हुआ इन चोरों के साथ। आपको बता दें कि नवी मुंबई में भी कई पुलिस थानों में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिनको पकड़ने के लिए नवी मुंबई पुलिस अपना खून पसीना बहा रहे थे, जिसमें नवी मुंबई पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और एक आरोपी वासी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उसके बाद जब तफ्तीश की शुरुआत हुई तो एक के बाद और दो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए। पकड़े गए आरोपी मुंबई कुर्ला के रहने वाले हैं। आरोपी इससे पहले भी कई चोरी के वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिनके खिलाफ मुंबई नवी मुंबई थाने में एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। आरोपियों की खासियत यह थी कि वो सिर्फ मारुति के इको कार चुराया करते थे, जिसकी वजह यह है कि मारुति इको कार साउथ में बड़े ही आसानी से बिक जाया करती थी। आरोपी के बताए गए ठिकानों से अब तक एक दर्जन कारें जब्त की गई है। आप देख सकते हैं यही वो चोरी गए कारें हैं जिन्हें नवी मुंबई थाने और मुंबई से चुराए गए थे, जिन्हें साउथ में जाकर बेचा गया था। बरामद किए गए वाहनों की कीमत 54 लाख रुपए आकी गई है। नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी की माने तो हो सकता है इस गिरोह के कुछ और आरोपी पुलिस के हत्थे चल जाए, जो अभी पुलिस के साथ आंख निचोली खेल रहे हैं। पकड़े गए आरोपी के विषय में नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुने। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, नवी मुंबई आयुक्तालय में जो क्राइम ब्रांच है उसमें यूनिट 1 के इंचार्ज हैं सीनियर PI सुनील शिंदे और उनकी जो टीम है, ये हमारे एडिशनल CP महेश और DCP सुरेश मेंगड़े साहब, SCP वस्त, इनके सबके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम किया है। जो एक गैंग है, बेसिकली ये कुर्ला की गैंग है, और इन्होंने हमारे यहाँ पे मारुति इको कार चोरी करके इसको तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे, चेन्नई में, त्रिची में, कोयम्बटूर में और भी ऐसे जगह पे जाकर के वहाँ पे इन्होंने बेचा था। और टीम ने इसमें जो टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना, CCTV फुटेज है कि वहाँ मोबाइल के बारे में कि वहाँ और भी जो इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, और इसका जो टिपिकल जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जो जो डीजल टैंक का जो लॉक है, पेट्रोल टैंक का वो लॉक और स्टीयरिंग लॉक एक ही है, तो ये पहले वो खोल करके उसके अंदर से लॉक निकाल के जाते थे और उसमें उसको कंप्यूटराइज तरीके से उसकी चाबी बना के लाते थे और फिर उसके बाद में गाड़ी चुरा के जाके बाहर बेचते थे। और इसमें जो तीन आरोपी हैं अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से जो उस्मान सैयद है उसके ऊपर मेरे ख्याल से 12 केसेस पहले से ही दाखिल हैं। उस्मान अहमद सैयद कुर्ला का रहने वाला है। शाहनवाज नज़ीर अहमद शेख, ये भी कुर्ला का है। अब्दुल सलाम मोहम्मद शेख, ये भी कुर्ला का है। और भी इसमें कुछ आरोपी अभी अरेस्ट होने बाकी हैं। और उस्मान सैयद जो है, इसके ऊपर पहले भी 12 केसेज हैं इसी तरह के कार चोरी करने के और भी आरोप गुनाह के। टोटल हमने 12 केसेज हमारे डिटेक्ट हुए हैं इसमें, और उसमें 4 हमारे नई मुंबई आयुक्तालय के हैं, 6 जो है मुंबई आयुक्तालय के हैं और 2 जो थाने आयुक्तालय के केसेज हैं। तो ये टोटल करीब 54 लाख की अभी प्रॉपर्टी हमने रिकवरी की है। जो 9 गाड़ियां हैं, 6-6 लाख एक एक गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं। और इसका डिटेल हमारे अभी ऑफिसर आपको बताएंगे मोडस ऑपरेंडी और कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। मैं हमेशा इसके पहले भी मैंने 5-6 मोटर व्हीकल चोरी के बारे में कि वहाँ मोटर व्हीकल संबंधित कभी जो दिया किसी को गाड़ी किराए पर चलाने के लिए, उन्होंने भी उसमें कुछ ऐसे केसेस किए, इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं कि लोगों ने खुद का सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, क्योंकि जो चोर हैं वो भी बड़ा हाईटेक होते जा रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि वो उसका जो डैशबोर्ड से खोल करके उसको फिर डिसकनेक्ट करके वापस फिर वो जो है उसके वाईफाई से करके जो गाड़ी का जो अपना इग्निशन का जो की है वहाँ पे कंप्यूटराइज की होता है, तो उसको बाहर उसका वाईफाई से करके उसकी चाबी बना करके फिर गाड़ी चुराते थे। इसमें भी कुछ ऐसा है कि वो जो पंप लॉक है अपना डीजल जो टंकी का जो है जो टैंक है जो टैंक लॉक है, टैंक लॉक को निकाल करके उससे उन्होंने, क्योंकि दोनों का लॉक एक ही है, तो वो हर हमेशा कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ करके ऐसे क्राइम करने का। लोगों ने ध्यान देना चाहिए, खुद अपने गाड़ियों का ध्यान रखो, नज़र रखो, ताकि ये क्राइम कम हो, गाड़ियों की चोरी
हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ये अच्छी बात है कि रिडक्शन भी हो रहा है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों का सेवा सत्कार जहाँ नवी मुंबई पुलिस कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें दर्जनभर पुलिस थानों के मेहमान नवाजी करना है, जहाँ उन्हें भिन्न भिन्न तरह के सेवा का सुअवसर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सुझाव लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, हम फिर कोई नई खबर लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे।